नमस्कार, पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता में आप सभी का स्वागत है। गामा पंचायत में टोला सेवक के अपने ही भतीजे की द्वारा की गई निर्मम हत्या, खबर से चारों ओर सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। चार चार बच्चों के सिर से अचानक ही पिता का साया उठ जाने से आपस के गांव में लोगों के भी आंखें गमगीन है। लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वहीं भतीजे के दुस्साहस की चर्चा चारों ओर की जा रही है। सभी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतक के दो पुत्र व दो पुत्री हैं। बड़ा पुत्र 17 वर्षीय विवेक कुमार कोटा में रहकर पढ़ाई करता है। वहीं दूसरा बेटा प्रशांत 15 वर्षीय का अपने माता पिता के पास रहकर पढ़ाई करता है। 14 वर्षीय जुड़वा पुत्री नेहवा एवं निकिता घर में रहकर पढ़ती। सभी बच्चे अपने पिता के लिए विलाप कर रहे हैं। अब केना के रहबे हो बाबू के, हमरा सबका खाना खिलाते के पढ़ते हो बाबू, आब केना के पढ़वे हो बाबू, हमरा तो बाबू छोड़ी ना जा सके छो। कहते कहते दोनों बेटियां भी बेहोश हो जाती है। वहीं मृतक की पत्नी यशोदा देवी का भी रो रो कर बुरा हाल कर हत्यारों की फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रही है। सारी मिलकर सबका अंत परीक्षण होकर आने का इंतजार कर रहे हैं।